सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में नवजात के हुए मृत्यु पर हो रहा है जांच, क्या मिल पाएगा सही जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत, मैं हूं मनीष कुमार झा। नमस्कार करें स्वीकार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में 29 नवंबर को शिशु की मृत्यु हुई और उसका जांच चल रहा है। सवाल वही, क्या शिशु जन्म के समय जीवित था? जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय सीएससी में एएनएम एवं डॉक्टर दोनों मौजूद थे। एनम दूसरे महिला का देखभाल कर रही थी, उसी समय टुंडी की सहिया एक महिला लेकर यहाँ आई। उनके अनुसार एनएम ने भर्ती नहीं लिया एवं डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी। जब तक सहिया डॉक्टर के पास थी, महिला ने बाहर नल के पास बच्चे को जन्म दी, जो आउटडोर से बाहर है। पहले आपको सुनाते हैं सहिया ने क्या कहा। आप सहिया हैं? जी सर, मैं सहिया हूं। आप पूरी बात बताइए, क्या घटना हुई? पूरी बात बता रहे हैं। इसको दर्द आया तो हम लोग के पास फोन किया, मेरे पास तो हम फोन उठाए तो बोल रहे हैं क्या टुंडी वाला से हम फोन किए तो वो टुंडी वाला बोल रहा है क्या यहाँ गोविंदपुर हम नहीं ले जाएंगे, कहावान नहीं ले जाएंगे। तो उस टाइम उसको बताए तो वहाँ से गोविंदपुर ला सकेंगे, हो बोल रहा है हाँ ला सकेगा। तो यहाँ आए समुदाय तो अपने गाड़ी से आए कि सरकार की गाड़ी से? यहाँ आए तो यहाँ तो ड्राइवर नहीं है तो फोन नंबर नहीं लग रहा है। हम बोल रहे हाँ फोन नंबर दीजिए, उन ड्राइवर से फोन करेंगे, एम्बुलेंस चलाएंगे यहाँ यहाँ का समुदाय। तो वो नहीं हुआ तो यहाँ का सहिया बताई, वो बोल रही है क्या कुन्हो गाड़ी से लाइए ना यहाँ देख लेगी। तो लाइए टेम्पू गाड़ी से लाइए, टेम्पू गाड़ी से लाइए, चार आदमी से उतारे इससे करके लेकर हम घुसा रहे थे। उस टाइम दीदी लोग बोल रही, हम बोल रहे हैं क्या ए दीदी बच्चा सामने आया है, बहुत जोर दर्द लगी है, इसको पहले दिखा लो। ये लोग बोल रहे हैं क्या पहले कागज दीजिए, इसको दे रहे हैं एनसी कार्ड। तो ये बोल रहे हैं ये वाला क्या करेंगे, पहले रिपोर्ट कागज दीजिए, जांच कागज दीजिए। वो तो बोल रहे हैं क्या ए वो मैंने बुरो दर्द में नहीं बोल सके वो कागज को, इसीलिए नहीं लाए, पहले देख लो ना। कौन सा जांच जो पहले जांच महीना महीना होता था वो कागज मांग रहे थे? ये हो रहा है, ये वाला सब होता है कि कोविड जांच कराने बोले थे, क्या जांच कराने बोले? जी फिर क्या हुआ? फिर हाँ बता रहे, फिर तो इसी तरह करके बच्चा ये सब चार आदमी से इसी तरह करके गुस्सा रहे। तो उस टाइम बोल रहे नहीं दिखेंगे बच्चा इसे वहाँ ले जा डॉक्टर के पास ले जा, जांच रिपोर्ट पहले लाइए तब देखेंगे। उस टाइम वहाँ ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर हम एक दो आदमी बेहोश हो गई। तो उस टाइम थोड़ा देर हो गया तो ये डिलीवरी बोल रहे क्या उल्टी उल्टी लग रहे हैं, तो उल्टी उल्टी लग रही थी तो वहाँ थोड़ा साइड होके उल्टी करने लगी तो बच्चा इधर गिर गई। थोड़ा देर में धीरे धीरे बच्चा ठीक था। तो उस टाइम हम तो यहाँ थे डॉक्टर के पास, इसको समझा रहे थे दीदी बहुत अच्छा आया है बच्चा, एकदम सामने आया है, होने वाला है दीदी पहले दिख लो। पहला तथ्य, टुंडी के ममता वाहन चालक को फोन किया गया, उसने गोविंदपुर आने से मना किया। यहाँ तक तो सही है, गोविंदपुर में ड्राइवर नहीं था यह इनको किसने कहा और उन्हें चालक नहीं रहने की जानकारी किसने दी? किससे यहाँ के ममता वाहन का नंबर मांगा गया? यहाँ की सैया कौन है जिसने उन्हें कोई भी गाड़ी से लाने का सलाह दिया? जब यहाँ की सैया ने किसी भी गाड़ी से लाने का उन्हें सलाह दिया तो वह स्वयं यहाँ उपस्थित क्यों नहीं हुई? अब आपको सुनाते हैं उस समय महिला के पति ने क्या कहा। कि बच्चा को लाए ठीक है सर, तो बच्चा को लाए थे यही मतलब डिलीवरी को लाए हैं, डिलीवरी जब यहाँ लाने के बाद बोल रहे बाहर लेके जा, बाहर लेके गए, बाहर में इसके बाद बोल रहे कि आप लोग बच्चे को जान मार दिया। हम लोग बाहर में यहाँ तो बाहर निकाल दिया सर, पहले ही लोग जान मार के रख दिया बच्चा को, और अभी बोल रहे कि बच्चा है नहीं। किसने इनसे कहा कि इसने ही बच्चे का जान मार दिया? जांच का विषय यह भी तो है। अब सुनिए स्वयं महिला की जुबानी क्या था मामला। यहाँ पे आए और आने का मतलब दर्द किया तो नर्स लोग बोलने लगी कि नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? डॉक्टर घर का कागज लेके आओ। ठीक है, ये लेके गए थे। फिर क्या हुआ आगे? ये चीज लेके गए थे तो बोल रही है नहीं होगा, जाँच चेक करा के लाएंगे। तो फिर चेक कराने आप गए, यहाँ डॉक्टर नहीं आया? नहीं आया। वहाँ फिर डॉक्टर क्या कहा वहाँ गए तो? डॉक्टर मौका ही नहीं मिला तो। अच्छा, बीच में ही प्रसव हो गया। हाँ।
अब इनकी बात सुना आपने, इन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जाने का मौका ही नहीं मिला, जबकि सैया कह रही हैं डॉक्टर ने उनकी बात सुनी नहीं। अब आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। अभी बाहर में आरोप है कि एक बच्चा देख कर गया और वो कारण रहा कि आपके यहाँ आए तो आप वहाँ टहलाए और वो यहाँ आया। यदि कोई लेबर पेन से परेशान है तो वहाँ जाकर क्यों नहीं देखा जा सकता, सवाल यही है। नहीं नहीं, मेरे पास आया था पेशेंट जी, मेरे पास जब आया ना उसका सही आया, हम दौड़ कर गए, वो बाहर वोमिटिंग कर रही थी, बस हम उसको बोले कि इसको जल्दी से अंदर ले चलो, उन्हें इसका इंजेक्शन देंगे, उसको वोमिटिंग कर रही थी, वो दर्द में थी या नहीं थी ये तो नहीं पता, लेकिन वोमिटिंग करते हुए थी। इस विषय पर मैंने एनएम से पूछा कि उन्होंने क्या किया। इनका आरोप अभी तक रहा है कि हाँ, जब वो यहाँ आए हाँ, तो यहाँ भर्ती ना लेकर उसे बाहर भेजा गया, जबकि जो आपका सैया है उसका कहना है कि मैंने कहा कि बच्चे मुंह पर आ गए हैं, बावजूद इसके लोगों ने नहीं सुना। सैया बोलिए। ये बात हमारे सामने नहीं, मतलब कि यही सामने थी, ग्रेड स्टाफ है। अब मान लिया जाए दो हाथ है तो हम तो दो का देख रहे हैं, तो अब भाई जो अगला है वो आके बोला, तो बोला तो हम बोले कि ज्यादा दर्द है, तो ये बोले उस सैया को हमने इतना ही बोले, उस सैया हमारे सामने गई तो उसको हम बोले कि जांच नहीं है, ये कम करो, डॉक्टर बैठे हैं, अगर ज्यादा दर्द है तो वहाँ से बोला को बुला लेना, मैडम को कहना लिख देना, क्या हमने गलती बोला। ठीक मैडम, नाम बताइए अपना। हाँ, ये तक हमारे से। थैंक यू। इनकी सफाई तो सुन लिया आपने, और इनकी मजबूरी भी है, यदि डॉक्टर हैं उनके रहते ऐसे पेशेंट को ये हाथ लगाएं जिन्हें खुद चार लोगों ने पकड़कर लाया हो, तो बाद में जिम्मेवारी किसकी होगी। यहाँ लापरवाही कहें या सिस्टम का दोष, यहाँ की ही सैया कहती हैं, पहले जैसे हम लोग पेशेंट लाते थे, ला करके मैडम को यहाँ पर कागज दिखा करके और मैडम देख के डायरेक्ट यहाँ पर अंदर घुसा देती थी, और अगर जांच भी नहीं रहता था तो मैडम लोग ज़्यादा दर्द रहता था तो मैडम मैं पहले पेशेंट को देख लें, उसका बाद से अगर होने वाला रहता तो यहीं पर बेड पर लेटा करके और हम लोग जाँच वाले को फोन करते थे और आकर के जैसे ब्लड सैंपल ले जाता था और इस तरह से एडमिट कर लेता था। लेकिन अभी जो है आज भी हम पेशेंट लाए तो हमको यहाँ से मैडम बोली कि पहले जाके वहाँ पर पहले कागज बनाओ, तो फिर मेरा सारा जांच था, मेरा पेशेंट को लिया नहीं, हम ले जाकर गए मैडम के पास, मैडम का क्या नाम हमको याद नहीं है, मैडम को बोले कि मैडम ये कागज हमको बनाए, इसको देखिए रिपोर्ट सब सही है, हमको इसको एडमिट कराना, पानी वानी सब जा रहा है, तो मैडम शोभा मैडम बोले कि ये पुर्जा कहाँ है, कौन चीज का सही है, तुम पुर्जा खोला, तो बोले कि वहाँ जो पुर्जा बनाने वाला है तो वो हमको बोला पहले डाल जाना पेस्ट लेवर पेंट उठा इसको, तो पहले मैडम को दिखा तो रहे हो जाएगा काम, लेकिन नहीं बोला तुम बहुत ज्यादा ही बोलती है सैया, नहीं पहले कागज बना करके ला, तो वैसे हम वैसा अभी सिस्टम बना दिए। यदि डॉक्टर उपलब्ध ना हो, क्योंकि रात में मैं आके देखा था कि यहाँ के जो कर्मचारी खुद बीमार रहते हैं, उस समय किसके पास जाया जाए अगर किसी को शंका हो तो? वही तो हम बोलना चाहते हैं सर, हम लोग रात को लाएंगे तब वो लोग बैठ के रहेगी, यही सिस्टम रखे, रात को हम पेशेंट लाएंगे, मैडम वहाँ पर बैठे रहेगी, कागज बनाएंगे, तो बोले वही सिस्टम रखे। जी जी, अपना नाम बताइए। सलमा खान कहाँ के हैं सैया? अब एक और सवाल खड़ा होता है, यदि बिना जांच का किसी मरीज का इलाज किया जाए और वो हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तो क्या वह बीमारी दूसरे में नहीं फैलेगा? जांच जरूरी नहीं है, यदि है तो समुचित व्यवस्था क्यों नहीं है? चलिए अब चलते हैं दूसरे तथ्यों की ओर। जब यह घटना घटी, इन्हीं के परिवार में से किसी ने बताया कि इस महिला का इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा था। दो दिन पहले इन्हें बुखार आई थी और लोकल डॉक्टर से इन्हें दवा दिलाई गई थी। क्या ऐसे डॉक्टरों का जांच नहीं होना चाहिए? क्या प्राइवेट में इलाज कर रहे डॉक्टरों को खुली छूट है कि वो कुछ भी करे, और जब कोई समस्या आए तो सरकारी डॉक्टर के माथे मर दे? जांच बारीकी से हो, जिससे दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, ऐसा ही हमारा प्रयास होना चाहिए।